Hey guys, welcome back to my channel Nazar is official. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे. आज का वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं आपके सामने. फाइनली आज का वीडियो है बहुत अमेजिंग, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बना फेस पैक जो आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने वाला है. अब आपको ये फेस पैक कैसे रेडी करना है, कैसे लगाना है, इसके लिए तो भाई आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज जो फेस पैक मैं बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है. मतलब देख लीजिएगा, अभी आगे आप देख लीजिएगा. तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर करिएगा. तो चलिए फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अगर बात आती है स्किन की तो हम लोग को क्या ख्याल आता है भाई? जो कोरियन ब्यूटी वाली स्किन होती है ना वो हमें मिल जाए, एकदम चमकदार, एकदम दाग धब्बे चले जाएं. तो वो कैसे होगा? जब आप अपने फेस की केयर करेंगे. अगर आप अपने फेस से प्यार करेंगे तो ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी. और अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगी और आपकी स्किन बहुत डल लगेगी, डिहाइड्रेटेड लगेगी. जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे बस ऐसा फेस पैक बता दीजिए जिसमें कोई भी झंझट ना हो, कुछ फेस वॉश ना करना पड़े या कुछ ना करना पड़े, है ना? होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं. तो आज स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है. आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने फेस पर ये मास्क लगाना है और ऐसे ही छोड़ देना है. अब मैं आपको बताती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या है. इंग्रेडिएंट्स बहुत अमेजिंग है और ऐसे हैं जो आपके पास अवेलेबल होंगे अगर आप स्किन के लिए क्रेजी हैं. तो अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं तो आपको पता होगा ये इंग्रेडिएंट कितने अमेजिंग है. तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है विटामिन ई कैप्सूल. विटामिन ई कैप्सूल तो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी या आपके घर में भी अवेलेबल होगी, आप खरीद के रखते होंगे अगर आप स्किन पे लगाते होंगे तो, क्योंकि उसका ऑयल बहुत अमेजिंग होता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और वो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अमेजिंग है. विटामिन ई कैप्सूल जो होता है वो हेल्प करता है एंटी एजिंग में, फाइन लाइंस में, रिंकल्स में, डार्क सर्कल्स को हटाने में वो हेल्प करता है, ब्लेमिशेस को हटाने में हेल्प करता है, जो भी आपके पिगमेंटेशन हो गया है उसको रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है. या अगर आपकी स्किन बहुत डल लग रही है तो विटामिन ई कैप्सूल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा. मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मेरा बिल्कुल खत्म हो गया है, सिर्फ एक ही ये रह गया है कैप्सूल, क्योंकि मैं इसको यूज करती हूँ. विटामिन ई कैप्सूल हो गया, आपको क्या करा, आपने विटामिन ई कैप्सूल ले लिया. अब सेकेंड इंग्रेडिएंट के बारे में बता देती हूँ, वो है एलोवेरा जेल. दिस एलोवेरा जेल जो मेरा फेवरेट है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि एलोवेरा जेल, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में एलोवेरा जेल कवर किया ही है. तो एलोवेरा जेल मेरा फेवरेट है, तो एलोवेरा जेल आपको लेना है. आपने क्या करना है, अच्छा मैं जब भी बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ कि कोई भी अगर आप फेस से रिलेटेड चीज बना रहे हो या हेयर से बना रहे हो तो ज्यादातर फ्रेश चीजें ही यूज करो, मतलब इंस्टेंट बनाओ और लगा लो, ऐसा ही मैं बोलती हूँ. इसको आप रख भी सकते हो बना के, ज्यादा दिन नहीं, ठीक है, बस एक से दो दिन बस, ओके. एलोवेरा जेल यहाँ पे क्या काम करने वाला है, एलोवेरा जेल आपकी जो डिहाइड्रेटेड स्किन है उसको हाइड्रेट करेगा, नरिशमेंट देगा, मॉइस्चराइज करेगा, जो भी डलनेस है उसको खत्म करेगा, उसको रिड्यूस करेगा. जब आप इस पैक को लगाओगे ना, है ना, तो आपका स्किन एकदम से ग्लो करेगा. ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत अच्छा है, एलोवेरा जेल और विटामिन ई. अब थर्ड इंग्रेडिएंट क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये दो इंग्रेडिएंट आपको यूज करने हैं. अब ये सभी के घर में होंगे, है ना, सबके घर में होंगे. ये आपके डार्क सर्कल जिनके बहुत हो गए उसको भी रिड्यूस कर देगा. डार्क सर्कल जो मैंने एक और वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखी है तो जाकर उसको देखिए, बहुत लोगों से फायदा हुआ है तो प्लीज उसको जाके देखिए. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही हूँ आपको, ठीक है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर लीजिएगा. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है और इसको कैसे लगाना है और इसको कितनी देर तक लगा छोड़ देना है. मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिया है एलोवेरा जेल एक चम्मच, या आप दो भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक लिया है, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं. एक विटामिन ई की कैप्सूल इसमें मिला दी है और अच्छे से मैंने इसको कर दिया है मिक्स. आपको भी सेम ऐसे ही करना है. अब मैंने क्या कर लिया है, अब मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है.
वॉश मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं कभी भी स्क्रब करती हूँ या कोई फेस पैक लगाती हूँ तो सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। कोई भी ब्रश से अप्लाई कर सकते हो या अपनी फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो, अप टू यू, आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे ये फेस पैक अपने फेस पर लगा लिया है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं ऐसे ही लगा छोड़ दूंगी। अब आप देख रहे होंगे मैंने इसको ऐसे लगा छोड़ दिया है गाइस, तो मैंने ये लगा लिया है और मैं आपको बताना भूल गई थी कि एलोवेरा जेल आपकी स्किन टाइटनिंग में भी बहुत हेल्प करता है। मतलब ये ओवरऑल ये जो मास्क है ना, वो आपकी स्किन टाइटनिंग में भी, स्किन ब्राइटनिंग में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं क्या करूंगी, फेस को वॉश करूंगी। मैं फेस को वॉश नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ये एक सीक्रेट था, मैं यहाँ पे फेस को वॉश नहीं करूंगी क्योंकि ये ऐसा मास्क है कि मुझे फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे करूंगी अपने फेस पर मसाज इसी पैक से। मैं हल्के हल्के हाथों से एकदम इसको मसाज करूंगी, अपने पूरे फेस पर मसाज करूंगी और इसको ओवरनाइट के लिए ऐसे ही लगा छोड़ दूंगी। गाइस, आई एम डन विद माय फेस मसाज और आई एम फीलिंग सो फ्रेश। बहुत सॉफ्ट लग रही है इस टाइम पे। मैंने कुछ भी जो भी बचा था वो अपने हाथों में भी लगा लिया है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और हाँ, आप जैसे अगर आप ये वाला मार्केट वाला एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है इतनी स्टोर करने की। फ्रेश एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, उसको आपको जैसे बनाना है वैसे ही लगा लेना है, उसको स्टोर नहीं करना है। तो भाई सारी प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉल्व हो गई, आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो आप बोलते हैं कि मुझे ऐसा फेस पैक यूज करना है जिसमें कुछ भी झंझट ना हो और मैं वॉश ना करूं, मेरे बालों में ना लगे, ये ना हो वो ना हो, है ना, ये भी सॉल्व हो गई। और ये भी सॉल्व हो गई कि आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी ये ओवरनाइट सॉल्व कर देगा, लेकिन धीरे धीरे करेगा। हमेशा मैं बोलती हूँ थोड़ा सा पेशेंस रख के, ये होम रेमेडीज होती है ना उसको करना चाहिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इसको यूज करिए। विटामिन ई ऑयल बहुत बहुत अच्छा है, मैं इनफैक्ट कभी कभी रोज भी इसको यूज कर लेती हूँ, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप चाहो तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार यूज कर लो, ठीक है। और अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं कर रहा है तो आप विटामिन ई कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं सूट कर रहा है तो पहले आप एक बार लगा के देख लीजिए, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको नहीं सूट कर रहा है, वैसे तो सूट सबको करता है, अगर नहीं कर रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। सो ये हो गई छोटी सी वीडियो, लेकिन बहुत बहुत अमेजिंग वीडियो है। ये छोटा सा फेस पैक बहुत कम इंग्रेडिएंट वाला, लेकिन है ये बहुत बहुत इफेक्टिव। एक बार इसको ट्राई करिए तो आप लगातार इसको ट्राई करते ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपसे भी मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि कौन सा वीडियो नेक्स्ट होना चाहिए, किस टॉपिक पे होना चाहिए, स्किन से रिलेटेड होना चाहिए या हेयर से रिलेटेड होना चाहिए, या कोई भी आपकी हेयर में प्रॉब्लम हो रही हो, स्किन में प्रॉब्लम हो रही हो, तो प्लीज मुझसे शेयर करिए, मैं कोशिश करूंगी ये वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर एंड लव योरसेल्फ।